वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपली मीनल में। तो आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, आज हमारी किचन में दीदी बताइए क्या बन रहा है। ये बनने जा रहा है चाइनीज भेल। हाँ, बच्चों की डिमांड पे। बच्चों की डिमांड क्या, मेरी भी डिमांड थी। अच्छा, दीदी बहुत अच्छी बनाती है चाइनीज। हाँ, भेल। तो मैंने कहा दीदी इसकी रेसिपी तो जाएगी मेरे चैनल पे। हाँ, क्योंकि बहुत पसंद है, बहुत अच्छी बनाती है दीदी चाइनीज भेल। और ये रेसिपी है ना, हम भी कभी जब बनाना होगा ना तो इसी रेसिपी को देख करके हम बना लेंगे। तो इसीलिए हमने कहा कि ये वीडियो हम शूट जरूर करेंगे। हाँ। तो गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और चाइनीज मील की रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए, अभी तो क्या कर रही है दीदी और मम्मी मिलके, कुछ सब्जियां कट कर रही हैं। तो सब्जियां देखिए, इसमें है ना गाजर लिए हैं हमने, गाजर को छोटा छोटा कट कर लिया है। और ये लिया है प्याज, उसको भी छोटा छोटा कट कर लिया है। और मम्मी कट कर रही है यहाँ पे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च वो भी बहुत छोटा छोटा। और अभी हमारे पास स्प्रिंग अनियन है नहीं। अच्छा। हाँ, तो स्प्रिंग अनियन होती है तो और वो भी डाल देते हैं। अच्छा। तो जो आपके पास अवेलेबल होना सब्जियाँ आप उनको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी तो कट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या होता है। बट हाँ, चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चाइनीज मील बनाने के लिए क्या करना है दीदी, पहले हमें ये नूडल्स जो है। अच्छा, ये कौन सी नूडल्स हैं? कोई सी भी ले सकते हैं। अच्छा, नूडल्स, ये तो हाँ, हल्का नूडल्स हैं। अपन बनाते हैं नॉर्मल जो नूडल्स। हाँ, होती है वो ले सकते हैं। अच्छा, इसको जो है थोड़ी देर बॉयल करना है अपने। अच्छा, तो मतलब पहले हमें पानी को गर्म करने देना है। हाँ हाँ, थोड़ा सा पानी बॉयल करना, उसके बाद ठीक है। चलिए, नमक डाल देना है। अच्छा, अभी हम नमक भी डाल देते हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब कैसे? नहीं, थोड़ा सा बॉयल करने के लिए डालना है। अच्छा अच्छा। और थोड़ा सा रिफाइंड भी डालेगा, एक चम्मच। पहले बॉयल हो जाए फिर उसके बाद डालते हैं। चलिए ठीक है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच रिफाइंड डाल देंगे। अच्छा, ताकि जब नूडल्स इसमें डालें तो आपस में चिपके नहीं। अच्छा ठीक ठीक है। और हमने ढक कर के रख दिया है कि पानी बॉयल हो जाए जल्दी से। तो ये देखिए यहाँ पर है ना सब्जियां कट गई हैं, शिमला मिर्च हो गई है और ये जो है प्याज है और ये कैरेट है यानी गाजर है। और अगर हमारे पास स्प्रिंग ऑनियन होती तो उसका भी टेस्ट अच्छा आता। तो अभी हरी मिर्च, अभी दीदी डाल रही है थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा इसलिए। एक ही डाल रही हूँ। हाँ, बहुत तीखी है, मैंने उस दिन खा ली थी तो बड़ा बस नाच ही गई थी मैं। तो पानी की क्या स्थिति है, पानी हमारा बॉईल होने लगा क्या? हाँ। तो अब इसमें हम ये डाल लेते हैं, तोड़ के डाल रही है दीदी। तो यहाँ पर ये हमने डाल दी है नूडल्स, नॉर्मल नूडल्स ले सकते हो आप, कोई सी भी मिलती हो ना मार्केट में। हाँ। तो अब इन्हें हमें बॉईल करना है। बॉईल कितना करना है दीदी? थोड़ा सा रह जाए, एक मतलब 80%। हाँ, 80% हमें बॉयल करना है। हाँ। क्योंकि फिर बॉयल करने के बाद इसको हमें डीप फ्राई भी करना है। अच्छा हाँ, चलिए नूडल्स हो चुकी है यहाँ पर और देखिए 80% तक हमारी गल गई है। हाँ। अब हमें इस स्टेज पर निकाल लेना है। जो बॉइल वाटर था वो निकाल दिया है और ऊपर से हमने नॉर्मल जो टैप वाटर होता है फिर से धो लिया है और उसके बाद फिर हमने आरओ के पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। इससे इसका जो स्टार्च जो है नूडल्स का वो आसानी से निकल जाएगा और नूडल्स जो हमारे खिली खिली हो जाएंगे। इसके बाद रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं दीदी, एक चम्मच, ताकि ये चिपके ना। और ये सारे देखिए खिले खिले नूडल्स हो गए, सारे नूडल्स एकदम अलग अलग हो गए। अब हमने ये ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छा, कढ़ाई में। हाँ, तो अब मैंने फ्राई करना है। हाँ, नूडल्स को हम फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करके फिर अलग। तो फ्राई कैसे, एकदम कुरकुरी फ्राई या कैसे? हाँ, कुरकुरी फ्राई हो जाएगी। अच्छा हाँ, तो तेल हमारा गरम हो चुका है। तो अब दीदी डाल रही है नूडल्स, डालने जा रहे हैं। एक बार थोड़ा सा तेज आंच में करेंगे। हाँ। फिर उसकी आंच जो है। अच्छा हाँ, थोड़ी धीमी कर देंगे। अच्छा, इससे उसमें करारापन आ जाए। अच्छा, यहाँ पर फ्राई, मतलब 2-3 मिनट में हो जाती होंगी दीदी फ्राई?
हाँ अच्छा, तो ये देखिए फ्राई होने लगी है ये कुछ कुछ, पर थोड़ा अभी और होएगा हाँ। हल्का गुलाबी हाँ, हो जाएगा और क्रिस्प हो जाएगा, और मेरे ख्याल से 6-7 मिनट लग जाएंगे। बाकी अगर पतली नूडल्स होती है तो थोड़ा जल्दी हो जल्दी हो जाता है, तो नूडल्स की किस्मों पे अलग वो करता है। रुद्रांश के और बच्चों के तो आज मजे आने वाले हैं। तो ये देखिए कुरकुरापन की आवाज आने लगी ना आपको, ये देखिए हाँ, ये बस हम एक मिनट और करेंगे इसे हाँ, फिर उसके बाद निकाल लेंगे। हल्की हल्की गुलाबी होने लगती है देखिए हाँ। तो अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में, ये देखिए आवाज सुन पा रहे हो ना आप इसकी कितनी क्रिस्पी बनी है, ये देखिए बहुत क्रिस्पी हो गई है और गोल्डन कलर की हो गई है। तो इसी तरीके से हमें बाकी बची हुई जो है वो कर लेनी है, नूडल्स को तल लेनी है। तो देखिए सारी जो नूडल्स हैं वो निकल गई हैं और दीदी ने कढ़ाई खाली कर लिया है। आप क्या करना है दीदी? इसे मैंने एक बड़ा चम्मच जो है हाँ। रिफाइंड ऑयल डाल दिया है हाँ। हल्का सा अच्छा। और ये गरम हो जाएगा हाँ। फिर मैं लहसुन बताना भूल गई थी अच्छा, तो हमने लहसुन को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, 8-10 कली के लगभग हाँ ठीक है हाँ, क्योंकि चाइनीज में तो लहसुन होना जरूरी है, लहसुन जरूरी होता है हाँ। थोड़ा ज्यादा ही डले तो भी कोई बुराई नहीं हाँ, है सही बात अच्छा है। लगता है उसमें। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं ये लहसुन। अच्छा लहसुन से भी फ्लेवर आता है ना, बहुत ही मस्त लगता है। ये हमारे लहसुन थोड़े से हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे अपनी कटी हुई प्याज। प्याज डाल दिया और थोड़ी सी ये हरी मिर्च डाल दी, हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए हाँ, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा प्याज बस हल्का सा करना है अच्छा, हल्का हाँ, तेज आंच पे ही करना है और हल्का सा करना है ताकि वैसे चाइनीज अधिकतर है ना तेज हाँ, ताकि उसमें वेजिटेबल्स का क्रंच बना रहे। अब हमने डाल दिया इसमें ये गाजर, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है तो सबसे पहले इसमें हमने वेजिटेबल्स में गाजर डाल दिया। हल्का बस 30 सेकंड के लिए करेंगे, उसके बाद जो है हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च। सब्जियों की क्वांटिटी अपने हिसाब से अपने हिसाब से कम ज्यादा डाली जा सकती है। अब हमने ये शिमला मिर्च डाल के थोड़ा चला लिया, हल्का सा सॉटे करेंगे है ना। एक चम्मच विनेगर, एक चम्मच हाँ, बस एक चम्मच डाल, एक चम्मच विनेगर डाल दिया हाँ हाँ, ये विनेगर की खुशबू आ रही है। और अब क्या करेंगे दीदी? एक चम्मच के करीब हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे। अच्छा, रेड चिली सॉस हाँ। और अगर हमारे पास रेड चिली सॉस नहीं हो तो कोई बात नहीं हाँ, वो ग्रीन वाला चिली सॉस डाल सकते हैं। एक चम्मच हमने ये डाल दिया अच्छा, और अब हम डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा हाँ। अपन हम लोग डार्क सोया सॉस यूज कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा यूज करेंगे अच्छा। क्योंकि फिर ये जो है कलर बहुत दे देता है हाँ। बस हल्का सा टेस्ट हल्का सा डालना है और थोड़ा सा हाँ। और हम यूज करेंगे थोड़ी सी सेजवान चटनी, सेजवान चटनी ठीक है, सेजवान सॉस और लास्ट में थोड़ा सा डालेंगे हाँ, टमाटो केचप 2 चम्मच के लगभग, थोड़ा सा मीठा मीठा सा फ्लेवर हाँ, खट्टा मीठा सा हाँ, तीखा सा मिक्स फ्लेवर। चाइनीज में यही सारी तो सॉसेस पड़ती है तो ही मजा आ जाता है हाँ। बस अब हमारा ये जो है मिक्सचर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि सॉसेज में भी नमक होता है तो हमें नमक का ध्यान रखना है कि कम से कम डालें, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, कम चीज को हम ज़्यादा बाद में कर सकते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर अपन खा नहीं सकते।
अब क्या करना है ना? अब हम ये भेल जो है अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये जो हमारे भेल हैं इनको छोटा छोटा ऐसे करके अच्छा क्रश करके डालेंगे। या आप इसको फ्राई करके पहले से रख लीजिए और क्रश करके रख लीजिए। ये तो दीदी हम बना के रख सकते हैं, बना के रख सकते हैं, स्टोरेज में करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख दीजिए। फिर जब बनाने का मन हो फटाफट सब्जी काटा और मिक्स करके वो कर दिया। इसके बाद हम इसको मिला देंगे अच्छे से। देखिए ये हमारी चाइनीज भेल तैयार हो गई है। हमारे पास स्प्रिंग अनियन नहीं है। हाँ, नहीं तो उसमें और अच्छा कलर आ जाता, कलर भी आता और टेस्ट भी आ जाता। तो बन करके तैयार है, बच्चों को दे देते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा। हाँ, तो यहाँ पर दादी और पोते बैठ गए हैं, बच्चे अभी पढ़ाई में बिजी हैं और दीदी यहाँ पर ला रही हैं चाइनीज भेल। ये लीजिए खा के बताइए माता जी। लग रही है। वाओ, लीजिए। आओ मीनल। हाँ मैं ले रही हूँ। तो भाई खा के बताओ कैसा बना है भेल हमारा। बहुत ज्यादा यम्मी दिख रहा है और कैसा? एकदम अच्छा बना है। एकदम अच्छा बना है। एकदम अच्छा बना है। ये रुकिए आप टेस्ट करो पहले। अच्छा बना है ना? बहुत हमें कैसा बना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना है। ऐसा तो नहीं लड़की ने बनाया है तो इसलिए अच्छा। नहीं हाथ से बनाओ भाई, मीनल तुम खुद खा के बताओ। वर्ड नहीं है, इतनी बढ़िया बनी है, इतनी टेस्टी बनी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। मतलब आप किटी में बना सकते हो। पहले से थोड़ी सी तैयारी करके रख लीजिए, फिर आप नेक्स्ट डे आराम से बना सकते हो। मतलब ये बहुत अच्छी है। अभी तक के आप वन वीक तक तो आराम से रख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। बहुत यम्मी, बहुत ज्यादा यम्मी है। तो गाइस दीदी की ये रेसिपी बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी और मैं बनाने भी वाली हूँ इस रेसिपी को अपने घर पर, क्योंकि मम्मी को भी बहुत अच्छी लगी है, रुद्रांश को भी बहुत अच्छी लगी और खासतौर से मुझे अच्छी लगी। तो मैं तो बनाऊंगी इस रेसिपी को। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ये रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्या करना है? शेयर करना है। और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है। हाँ, और प्यारे प्यारे कमेंट्स तो देना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे इसी तरह एक और नई प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।